तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्टल टूर, मिलेंगे जूनियर से, बात करेंगे, और ये है थोड़ा फास्ट वर्जन, चलिए देखते हैं स्लो वर्जन। तो क्या हाल है, मैं हूँ इस समय बैंगलोर में और आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई चीज़ों। बड़ा अच्छा मौसम है और वक्त हो रहा है कुछ 4:30। तो आज मैं बात करूँगा हॉस्टल टूर पर, थोड़ा सा हल्का सा हॉस्टल टूर देखने को मिलेगा आपको वीडियो में। और जूनियर्स जो नहीं गए हैं, जो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं, उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या नया है और क्या क्या नई चीज़ हैं। और मौसम आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं किस तरीके से हो गया है यहाँ पे, और बहुत ही सुहाना मौसम है, ठीक है। और इस समय मैं हूँ टॉप फ्लोर के अंदर, और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग जो है, ये भी एक PU कॉलेज है और इनकी और भी ब्रांचेज हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मस्त हवा चल रही है, माइक में भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं जूनियर से और मुलाकात करते हैं। तो चलें, थर्ड फ्लोर में हूँ मैं अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ। जो नहीं गए हैं उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रगल किए हैं, खाना वाना बना रखा है खुद से ही, और मेहनत कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है उनके। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये भी एक स्कूल है, उसका ये ग्राउंड है। तो बढ़ते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से जूनियर्स यहाँ पर हैं। तो सेकेंड फ्लोर पर जो अभी तो एक सामने ही है हमारे, मोबाइल चला रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। देखिए ये रहे, मिलिए इनसे। और सर जी क्या हाल है? तो ये हमारे जूनियर हैं जो अभी सेकेंड ईयर क्लियर करके थर्ड ईयर में आ गए हैं, और ये है इनका रूम, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इनके रूम में देख सकते हैं कि ये देखिए बढ़िया से किताबें पड़ी हुई हैं, प्रैक्टिस पेपर्स पड़े हैं, ये रोमदान की बुक है, ये बिस्तर है इनका, और ये इस तरीके का कुछ इनका अलमारी अलमीरा वगैरह दे रखा है। तो और एक और बंदा यहाँ पे है जो घर गया है, उसका भी कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि सेकंड जूनियर हमारा क्या कर रहा है जो अभी फर्स्ट ईयर में है, और इनसे मिलते हैं। तो ये आ गए हम दूसरे रूम में और इनसे मिलते हैं, ये अभी फर्स्ट ईयर में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई क्या पढ़ रहे हो? तो ये जो हैं वो पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फीवर, और इनको हो गई है सर्दी। तो ये टॉपिक भी बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख सकते हैं आप पूरी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल पेपर वेपर प्रैक्टिस चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, और ये बढ़िया टॉप करने वाले हैं, बढ़िया पास करेंगे। और इनका कुछ रूम इस तरीके से है, अलमीरा वगैरह। और चलते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, आप देख सकते हैं। और चलते हैं छत की तरफ। तो ये हमारे सीनियर्स के रूम हैं, यहाँ पे रहते हैं सीनियर्स, देख सकते हैं आप, ये रूम नंबर 5 और आगे, और इसमें रहता हूँ मैं। तो ये जो है, अब चलते हैं टॉप ऑफ द हॉस्टल पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो हम आ गए हैं अभी छत के ऊपर, और यहाँ पे भी रूम दिखेंगे आपको, ठीक है, काफ़ी सारे। तो मैं हूँ यहाँ पे छत के ऊपर, और ये है नज़ारा बैंगलोर का। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं बैंगलोर के अंदर। और अभी छोटा सा हॉस्टल टूर भी आपको मैंने करवा दिया, और जो जूनियर्स नहीं गए उनके साथ भी मैंने आपको मिला दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।